हे गाइस, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्कैल्प ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी, जिसे बनाने के लिए आपको बस दो ही इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। एक जो इंग्रेडिएंट है वो आपके सामने है, ये है तुलसी। तुलसी के अनेक बेनिफिट है, आप सभी को पता है। हिंदू धर्म में तुलसी को माता के रूप में पूजा किया जाता है और तुलसी के अनेक फ़ायदे भी हैं। जैसे तुलसी को अगर आप काढ़ा बनाकर पियोगे तो आपका इम्यूनिटी अच्छा होता है, और अगर आप इसको टॉपिकली अपने स्कैल्प पे लगाओगे तो भी अच्छा है। ये हमारे स्कैल्प को एक्चुअली मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और साथ में स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिसके कारण अगर आपको स्कैल्प इचिनेस का प्रॉब्लम है तो वो दूर होता है और साथ में डैंड्रफ भी कम होता है। और अगर आपका स्कैल्प एक्सट्रीम ड्राई है तो आप तुलसी ज़रूर यूज़ करें अपने वीकली हेयर केयर में। तुलसी हमारे बालों को रेजुविनेट करता है और हमारे हेयर रूट्स को एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो ओवरऑल हेयर केयर में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए पहले तो हमें चाहिए कुछ तुलसी के पत्ती। अगर आपके पास फ्रेश तुलसी का पेड़ नहीं है, जो कि सिटी लाइफ में आजकल बहुत किसी के पास उतना अवेलेबिलिटी नहीं होता है, तो आप तुलसी के पाउडर भी खरीद सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट टू प्लक इट फ्रॉम तुलसी प्लांट। तो उसके बाद आप पत्तों को अच्छे से धो ले, क्योंकि इसमें डर्ट और कोई भी कीड़े मकोड़े हो सकता है। नॉट ओनली वंस, ट्वाइस थ्राइस इसे बहुत अच्छे से धो ले। एंड उसके बाद हम इसका एक पेस्ट बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ मोटर पेस्टल, और ये मेरा एक नया एडिशन है मेरा DIY जर्नी के लिए। लेकिन अगर आपके पास मोटर पेस्टल नहीं है तो आप एक मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। तुलसी की पत्ती का जब आप पेस्ट बनाओगे मोटर पेस्टल पे, आपको एक बूंद भी पानी ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुलसी के अंदर इनफ मॉइस्चर होता है, जिसके कारण बहुत अच्छा एक पेस्ट बन जाता है। तो देखिए, मेरा पेस्ट तो बन के तैयार है। अब ये जो पेस्ट बना है इसे हमें फिल्टर करना है और इससे हमें तुलसी का पत्ती का जूस निकालना है। तो आप वैसे पेस्ट भी लगा सकते हो अपने स्कैल्प पे, लेकिन क्योंकि आज मैं एक ट्रीटमेंट बना रही हूँ जो कि ओनली फॉर माई स्कैल्प है, तो इसी कारण आज जूस लिया है तुलसी का। अब हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कौन सा है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। यहाँ पे मैं मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया है ये कोकोनट ऑयल वन ऑफ द प्योरेस्ट कोकोनट ऑयल है, जो कि मैं लास्ट 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से। अगर आपके पास मैक्स केयर का नहीं, आप कोई भी दूसरे ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। जस्ट आपको यही चेक करना है उस ऑयल में कोई भी मिनरल ऑयल ना हो एंड वो प्योर हो। तो कोकोनट ऑयल हमारे बालों के लिए अच्छा है, ये तो आप सबको पता है, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। अगर आपको कोकोनट ऑयल एलर्जी है तो आप दूसरा कोई भी हेयर ऑयल जो आप यूज़ करते हो वो आप ले सकते हो इस रेमेडी के लिए। अगर आप नहीं भी चाहते हो ऑयल यूज़ करना, जस्ट ये जूस भी अपने स्कैल्प पे लगा सकते हो। तो कोकोनट ऑयल मेरे जैसे ड्राई स्कैल्प और ड्राई बालों के लिए बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है और साथ में हमारे स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। डेली कोकोनट ऑयल के मसाज से हमारा हेयर ग्रोथ भी एक्चुअली होता है। अब चलिए बना लेते हैं इस रेमेडी को। तो मैंने एक कटोरी पे तुलसी का जूस ले लिया है। अब इस जूस के अंदर आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे आप हिबिस्कस का थोड़ा सा जूस बनाकर डाल सकते हो या फिर कड़ी पत्ता का। मैं ऐसा डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाकर लगाती हूँ, लेकिन आज मैं ईजिएस्ट वाला आपको बोल रही हूँ, जो कि आप बहुत ही ईजिली घर पर बना सकते हो। मैंने इस ट्रीटमेंट का नाम दिया 2 इंग्रेडिएंट हेयर केयर ट्रीटमेंट। अब इस तुलसी के जूस के अंदर मैंने डाल दिया 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, और मेरे बालों के लिए 2 चम्मच इनफ है, मतलब स्कैल्प के लिए, तो इसीलिए मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। आप अपने अनुसार जितना कोकोनट ऑयल या फिर और कोई भी ऑयल अगर आप ऐड करते हो तो वो डाल सकते हो। आपको खुद को पता होगा कि आपके स्कैल्प के लिए कितना आपको चाहिए। तो देखिए, ये इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। तो हमारा रेमेडी बन के तैयार है स्कैल्प ट्रीटमेंट का। चलिए अब मैं इसका डेमो दिखाती हूँ। इसे लगाने के पहले आप एक बार एलर्जी टेस्ट कर लें,
मोस्ट ऑफ द लोगों को उतना ज्यादा एलर्जी नहीं होता है तुलसी एंड से, लेकिन अगर आपको है तो आप प्लीज इसे ना लगाइए। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि इसे मैं कैसे अपने बालों पे लगाती हूँ, एक्चुअली स्कैल्प पे। तो देखिए ये मेरे बाल है जो कि कल धुलने वाले हैं, तो एक्चुअली मैं इसे ओवरनाइट रखती हूँ इस ट्रीटमेंट को। लेकिन अगर आपको ठंड का प्रॉब्लम है, मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप बाल धोने का बस आधा घंटा पहले इसे लगाइए। तो यहाँ पे मैं मेरे हाथ पे पहले ये स्कैल्प ट्रीटमेंट ले रही हूँ एंड देन हल्के हाथ से मैं मेरे पूरे स्कैल्प पे मसाज कर रही हूँ। इसे मैं लेंथ पे नहीं लगाती हूँ, स्कैल्प पे लगाती हूँ, क्योंकि मेरा जो कंसर्न एरिया है फॉर दिस ट्रीटमेंट वो है मेरा स्कैल्प। मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसे लगाने से मेरे बालों का ड्राइनेस, स्कैल्प का ड्राइनेस एक्चुअली कम होता है और इसके कारण बालों का भी ड्राइनेस एक्चुअली कम होता है, ठीक है। तो इसे मैं हल्के हाथ से मसाज कर रही हूँ और बिल्कुल भी नेल्स नहीं लगाती हूँ ड्यूरिंग मसाज। और मैं ऐसा मिनिमम 5 से 10 मिनट तक मसाज हल्के हल्के हाथों से करती रहती हूँ। ये वन टाइम यूज ही है, मतलब इसे मैं स्टोर नहीं करती हूँ। तो अगर आप लोग ऐसा बोलते हो कि बनाकर क्या हम इसे स्टोर कर सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा ना करें। तो ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं कि आज आपने लगाया और कल आपके बाल अच्छे हो गए, ऐसा नहीं होगा। इसे आपको कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हुए रहना है एटलीस्ट फॉर 2 to 3 months, उसके बाद ही आपको उसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो स्कैल्प अगर आपका हेल्दी रहा तो आपका बाल भी अच्छे हो जाएंगे, ये मैं मानती हूँ। तो इसे लगाइए एंड आपका जो फीडबैक है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए एंड अपना देखभाल भी करिए। चलिए बाय बाय माय लवली 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 फ्रेंड्स, बाय बाय।